सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी दवाई या खाने पीने की चीज़ से इम्यूनिटी तुरंत नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी को विकसित होने में टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा जिस वर्ग पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो है बुजुर्ग वर्ग और पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ या हार्ट की दिक्कत है, क्योंकि इन मरीजों में कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहली सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि स्मोकिंग यानी कि सिगरेट और शराब से जितना हो सके उतना दूर रहें। दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है वो है खान पान पे ध्यान देना। हमारे खाने में विटामिंस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कई तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऐसे तत्व हरी सब्जियाँ ताज़े फल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जितना हो सके इन चीज़ों का सेवन करें। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है, घर पे रहते हुए भी जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई और संक्रमण जो लंबे समय से किसी समुदाय में बना हो और किसी भी समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता हो, ऐसी स्थिति में उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट लोगों के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसके फलस्वरूप अधिकांश लोगों में बीमारी के लक्षण या तो दिखाई नहीं देते या काफ़ी माइल्ड होते हैं। जब किसी भी जन समूह के एक बड़े हिस्से में इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी जन समुदाय में संक्रमण के फैलाव को रोकती है। हर्ड इम्यूनिटी को पाने के दो तरीके हैं। पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, समुदाय में संक्रमण का फैलाव, और दूसरा है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जो हमारे समुदाय में पहली बार आया है, इसीलिए हमारे समुदाय में अभी तक इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई है, इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है वैक्सीन। कोरोना वायरस के विरुद्ध अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस मामले में रिसर्च अभी जारी है, पर वैक्सीन को आने में समय लगेगा और इस समय हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि हम इन संक्रमण को फैलने दें ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके। इसीलिए ज़रूरी है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रिकॉशंस फॉलो करें ताकि हम फैलाव के चेन को तोड़ सकें और कोरोना वायरस से हमारी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। क्यों है ABP Live न्यूज़ लवर्स का फेवरेट? Work deadlines may be stay updated always. So smart ki ye kare sirf blue tick wali news pick. Just like ghar jaisa comfort hai best, waise hi apni language mein news ki feel hai lit. Anytime food delivery ke time par mili apne favorite anchor se kisi bhi time. ABP Live app ke saath raho sabse aage. Download now.